चंदा बस ए दीजो अगले जन्म अगले करेंगे और तुम मेरे पीछे मत आ समझा चूहा कहीं का एक तूने मुझे चूहा कहा अबे रुक मैं तुझे बताता हूँ एक मिनट क्या हुआ तुम दोनों काहे ऐसे झगड़ रहे हो देखो ना माई मैं दूर तक जाके जूता चुरा के भाग आई रेखा दीदी इस चूहे को समझा दो कि वो मेरे जीजू हैं और मेरा हक बनता है कि मैं उनके जूते चुरा कर उनसे पैसे लूं और जब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तब तक मैं जूते तुम्हें नहीं दूंगी नहीं एक 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 मिनट यहाँ रुको ऐसे नहीं करते मीनू जूते अभी नहीं चुराते ये रस्म फेरों के बाद की जाती है अभी जूते हमें दे दो आपके जूते मीनू को लगा कि उसे चुरा लिए भगवान करे आपकी इस नई जिंदगी में आपको ढेरों खुशियां मिले खुद को महादेव का सच्चा भक्त कहते ना ये लीजिए इन्हीं के मंदिर में इन्हीं के आगे आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं कहाँ है लाली कहीं आप ही ने उसे कहीं छुपा के तो नहीं रखा है हमने आपकी चुप्पी नहीं हमारे सवाल का जवाब चाहिए कैसी है लाल सब आर्थिक पुण्य प्रताप का नतीजा है भैया सब आर्थिक पाप लगाएंगे का हमको पाप नहीं पुण्य कहो ठकुराए देख लीजिए बबुआ भैया ये पत्थर की मूरत आपकी ममता आपके स्नेह आपकी श्रद्धा के सामने बम हो गई ललिया की याददाश्त वापस आ गई है करे गंगे गंगे बोल बम सड़क बम कैसी कैसी लीला तुम्हारी भगवान हम तो तुमसे बस ये प्रार्थना करते रहे कि लाली को उसकी खुशहाल जिंदगी में रहने दो मत याद दिला उसे कुछ हो भी वही नहीं समझ पा रहे भगवान के हमारे
हमार बबुआ के लिए खुश हुए या लाल के लिए चिंतित, बाकी ये जरूर समझ गए हम कि हमारी प्रार्थना हमार बबुआ के प्रेम के आगे कमजोर पड़ गया। देखते हैं तुमको हमसे कौन अलग करता। अब से हमेशा तुम यहीं रहोगी हमारे साथ। हम कहीं नहीं जाएंगे छोटे ठाकुर, सिर्फ आपके पास रहेंगे, सिर्फ आपके पास। लाले लाले फोटो आसे अच्छम के ललैया के रस चुवेला, हो जैसे अमवा के मुजरा से रस चुएला। तो क्या नाद ना जन्ना लगे, इतने उम्र में भी कटारी लग रहे हम। अरे का है हा? इतनी देर से देख रहे हैं, का खेला चल रहा है तेरा? नचनिया जैसे काहेली सज रही है। बस राहू तुम्हारा मोहरा तो हो गया खराब, उड़ गया फुर डॉक्टर बा, अब क्या करेगी आगे? आप दांत ना भीचो सत्यानाश, खुद कपड़ा लो तैयार हो जाओ। अरे पगला गई है का? अरे हमारे कपड़ों पे कौवा कबूतर आ गए हैं का, जो ठीक तो लग रहे हैं सब। इन कपड़ा में आप हवेली में नहीं जा सकते, इसलिए हम कहते हैं कि कपड़ा पहनिए और इ, 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 इ। नेक मांगने वाले बन जाइए, ये रोक तो हम हवेली जा सकते हैं। अरे बावली हो गई है का हरामजादी? अरे हमार हवेली हमारे बाप का हवेली है, कौन रुकेगा हमें? जैसे चाहेंगे वैसे जाएंगे। माफ कर दो हमें और लौट जाइए अपने काल को फरिया में। अरे इनतनिया जैसे नौटंकी ड्रामा हमारे सामने करने की जरूरत नहीं है, कौन बता दे रहे, दिमाग सटक जाएगा। चाहती है कन्ना का है वो बता। चिड़ैया का पानी और तुम्हारे बाप का सत्यानाश। डॉक्टर के पास जाएंगे और दलिया का सब कुछ बता देंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सब कपड़ा पहन के आप जाएंगे हवेलिया में तो ठाकुर साहब के नौकर कुकुर की तरह आपको नोच डालेंगे। इसलिए हम भी मानिए, साड़ी पहनिए और लिपस्टिक पाउडर मारी अपने मुंह पे और होल नेक मांगने के बहाने होल बजाएंगे और चिड़ैया का ढोल फाड़ेंगे। पवित्रं पवित्रो वा सर्वावस्थान गदोपि वा या समृद्ध पुंडरीकाक्षं समायाभ्यन्तरतुजे गंगा विष्णु पुंडरीकाक्ष पुनातु माम।
संजीव, मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है, श्यामली का अब तो कुछ पता नहीं। तू ऐसा है डॉक्टर बाबू कि हम कौन बहुत बड़ा ज्योतिषी नहीं हूं ना, कि बहुत धड़ल्ले से कह दूं कि वक्त पे श्यामली जी आएंगी ही आएंगी, धीरे धीरे आ जाएंगी। पंडित जी मंत्रोच्चार जारी रखिए। चलो, दूल्हा बैठ गया है मंडप पे। घर में किसका भी है छोटे ठाकुर? मधुर का ब्याह है। वो लड़की है ना, सुमन और मधुर का ब्याह है। जैसे आज भजन गाते वक्त तुम हमारी जगह ले जाओगे, वैसे ही हमारे जाने के बाद हमारे परिवार में तुम्हें हमारी जगह लेनी होगी। भी देखना चाहते हैं कि हमारी श्यामली जी को अपने डॉक्टर साहब की याद आएगी या नहीं। मुहूर्त खत्म होने को है, अब जयमाला की रस्म के लिए देरी मत कीजिए। ए समनिया, अरे बरमाला विधि तो पूरा करो, अभी तो फेरा बाकी है, तब तक आपकी मैया आ जाएगी। पंडित जी आप विधि पूरा कीजिए। अभी तो कह रही थी तुम कि हमको छोड़कर तुम नहीं जाओगी, तो क्या हुआ, हमसे का गलती? नहीं नहीं, तुम हमको छोड़कर मत जाओ। जाना होगा छोटे ठाकुर, जाना होगा हमको। नहीं, दिनों बाद तू हमसे मिली, मत जाओ ना, मत जाओ। समझने की कोशिश कीजिए छोटे ठाकुर, जाना होगा छोटे ठाकुर।
हमरे पास रुको ना, तुम केवल हमरी हो, हम आज के बाद तुमको अपने से अलग नहीं होने देंगे। कहीं जाओगे पर क्या कर रहे हो भैया? पंडित जी आपको बुला रहे हैं। भैया आप क्या सोच रहे हैं? सुमन की शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। चलिए चलिए भैया। जी अब तब से अपनी बातों को गोल गोल घुमा घुमा के कह रहे हैं। साफ साफ बताते काहे नहीं, लाली अभी तक आई काहे नहीं, ए बबुआ मैया, जैसे चांद से चांदनी जुदा नहीं हो सकती, वैसे ही लाली से समझ गई ना? तो इसका मतलब की हुआ कि लाली को पहनना चाहिए शेखर अखबार, लाली वहां है। दरवाजा को तोड़े का?